हेलो एवरीवन, हीरोइक वेडनेसडे के 11th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले हफ्ते बिजी था दशहरा के चक्कर में, तो वीडियो नहीं बना पाया और उस सप्ते के अपडेट्स और इस सप्ते के अपडेट्स भी इसी वीडियो में होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वानके की फैमिली बन चुकी है हमारी। इन फ्यूचर इसको और भी एक्सपेंड करना है, तो जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब ठोक दो। सो हे गाइस, मैं हूं प्रोफेसर बोरिस एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं ब्लैक एडम पे। तो नेक्स्ट वीक ही ये मूवी रिलीज़ होने वाली है, तो इससे रिलेटेड कुछ ऑफिशियल पोस्टर्स को रिलीज़ किया गया है। इसके बाद इंडिया में ये एक दिन पहले रिलीज़ होगा, यानी 20 तारीख को। और इसी मूवी से ये रूमर्स आ रहे हैं, इस मूवी में हेनरी कैविल का सुपरमैन रिटर्न करने वाला है। और इस बात का हिंट रॉक भैया ने इस वीडियो में दे दिया है, आप लोग खुद ये वीडियो को देख लो। An unstoppable force on this planet. On this planet. अगर ये सच में होता है तो डीसी का फ्यूचर सच में बदलने वाला है। और ब्लैक एडम से एक और अपडेट भी है, इस मूवी के एक्टर नोआ सेंटिनियो जो इस मूवी में एटम स्मैशर का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने कहा है इस मूवी में सबसे ज्यादा बॉडी काउंट्स होने वाले। तो एज ए मैन हमको क्या ही चाहिए। ब्लैक एडम में सुपरमैन तो दिखने ही वाला है, और इसी पे कुछ इनसाइडर सोर्सेस ने ये बताया है वार्नर ब्रदर्स अपने नए सुपरमैन के प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। और रॉक भैया और वार्नर ब्रदर्स साथ में नेगोशिएट भी कर रहे हैं कि डीसीयू में हेनरी कैविल का सुपरमैन ही आना चाहिए। आपका इस पे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब आते हैं बैरी क्योगन पे, जिनको आपने इटर्नल्स की मूवी में ड्रुइक के रोल में देखा होगा और अभी रिसेंटली द बैटमैन मूवी में जोकर के रोल में। तो इनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें पहले ये द बैटमैन मूवी में रिडलर के रोल के लिए ऑडिशन दे रहे थे। इनको ये रोल तो नहीं मिला, लेकिन बैटमैन के सबसे आइकॉनिक विलन जोकर का रोल मिल गया। और बैरी क्योगन ने कहा है उनको अभी तक जोकर के रोल में रिटर्न करने के लिए नहीं कहा गया है, तो उनको भी नहीं पता उनका जोकर फ्यूचर में रिटर्न करेगा या नहीं। अब आते हैं क्विक अपडेट्स पे। तो सबसे पहले आते हैं सीक्रेट इन्वेजन पे। फिलहाल इसके कुछ रीशूट चल रहे हैं और इसी के सेट से एमिलिया क्लार के कुछ बिहाइंड द सीन के फोटोज भी देखने को मिले हैं। इसके बाद सुपरमैन एंड लोइस के सीजन 3 से कुछ सेट इमेजेस भी निकल के आए हैं, और साथ ही में मैडम वेब से ये सेट इमेजेस भी, जहाँ पर हम एक दूसरे स्पाइडरमैन को देख सकते हैं। ये कौन सा स्पाइडरमैन होने वाला है फिलहाल तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये मुझे सैम रेमी के स्पाइडरमैन 3 में दिखाए गए वेनम सूट जैसा क्यों दिख रहा है, बस इसके कलर्स चेंज कर दिए गए हैं। इसके बाद आते हैं ब्लू बीटल पे। तो इसके डायरेक्टर ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है इस मूवी की हालत बैड गर्ल जैसी नहीं होने वाली, ये मूवी ज़रूर आएगी। इसी के साथ ये ऑफिशियली कंफर्म हो गई है आर्मर वॉर्स अब सीरीज में नहीं आने वाली, बल्कि एक मूवी होगी। और इसके बाद फैंस थियोरीज बना रहे इसमें आरडीजे रिटर्न दिख सकता है एज एन AI। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से डैनियल क्रेग के बाल्डर द ब्रेव का कॉन्सेप्ट आर्ट भी हमें देखने को मिला है। फिर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स स्पाइडरपंक का ये फर्स्ट लुक और एक स्टील फोटो भी निकल गया है, और शी-हल्क से ये कुछ कैरेक्टर पोस्टर्स भी। इसके बाद अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए राइटर को कन्फर्म कर दिया गया है, जो कि है माइकल वॉल्ड्रॉन। तो अब जब वोल्वरिन का रिटर्न होने वाला है डेडपूल 3 में, तो इसी से रिलेटेड ह्यूज जैकमैन ने अपने जिम के कुछ फोटोज को शेयर किया है। इसके बाद एक रूमर चल रहा है इवान पीटर्स के रिटर्न पे, जहां पर ये एगाथा कोवेन ऑफ केओस में दिख सकते हैं। तो यही थे क्विक अपडेट्स। अब आते हैं वांडा के रिटर्न पे। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में केविन फाइगे को इससे रिलेटेड पूछा गया था, जिस पे उन्होंने कहा उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता। लास्ट टाइम उन्होंने एक बिल्डिंग को वांडा के ऊपर गिरते हुए देखा था, इसके बाद एक रेड लाइट फ्लैश होती है, उसके बाद उनको पता नहीं। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो में बहुत पहले ही बता दिया था, अगर उसको देखना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। और इसी पे एलिजाबेथ ओल्सन ने कहा है सीन सब वोल्वरिन एमसीयू में आ सकता है, और एक्समैन भी धीरे धीरे करके आएंगे, और हो सकता है किसी ना किसी यूनिवर्स में मैग्नेटो उसके पापा निकले। अब आता है वेयरवुल्फ बाय नाइट पे। तो प्रीवियस वीक ही ये हॉटस्टार पे ड्रॉप हुआ है, और इसी से बिहाइंड द सीन के इमेजेस भी देखने को मिले हैं, जहाँ पर हम मैन थिंग को देख सकते हैं। और इसी से रिलेटेड केविन फाइगे ने कहा है इसमें जो मॉन्स्टर्स हमें देखने को मिले हैं वो फ्यूचर में एमसीयू के लिए सेटअप होंगे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी, और ये कैरेक्टर्स फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरह ये लोग अपने मॉन्स्टर यूनिवर्स को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और वैसे मुझे शो बहुत ज़्यादा औसम लगा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वेयरवुल्फ की बात हो गई है, तो अब बात करते हैं ब्लेड पे। इस मूवी के साथ क्या हो रहा है ये खैर कह पाना मुश्किल है। सबसे पहले तो इसके डायरेक्टर वसीम तारिक ने इस मूवी को छोड़ दिया, और ऊपर से ये बात भी निकल के आ रही है मार्शा अली को इस मूवी के स्क्रिप्ट इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं आ रहा,
और उड़ती हुई चिड़िया से एक खबर भी आ रही है कि इस मूवी का स्क्रिप्ट बस 90 पेजेस की है। तो सोच सकते हो ये मूवी कितनी छोटी होगी। पहले ही मोरबियस ने सदमा दे दिया था, उससे रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ। और अब ये इसके शूटिंग्स इस महीने के 3 तारीख से शुरू होने वाले थे, लेकिन अब पता नहीं कब शुरू होगी। तो अब आते हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर पे। तो इसके कुछ ऑफिशियल स्टील इमेजेस को रिलीज कर दिया गया और साथ में एक ऑफिशियल पोस्टर को भी। तो इन दी एंड हम लोग आते हैं आदिपुरुष पे। तो बापू के बर्थडे के दिन इसका टीजर लॉन्च हुआ था, उसके बाद इसको क्या ही रिस्पॉन्स मिला वो तो सबको पता है। इसके बाद टी सीरीज वालों ने अपने पीआर टीम वालों को समोसे भेजे थे। इसके बाद उन्होंने कहा ये टीजर मोबाइल पे या पीसी पे देखने के लिए नहीं है, 3D में देखो, थिएटर में देखो। और इसके बाद ओम राव जी ने जो न्यूज़ चैनल पे आके हगा है ना, क्या ही बोलूं। मैं तो बोलता हूँ इस मूवी को बैन कर दो, बॉयकॉट लेवल की भी मूवी नहीं है। और साला मन तो कर रहा है इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दो, लेकिन वो वीडियो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। मेरा क्या है, 3-4 मिनट का वीडियो बना दूंगा, सारे फैक्ट्स वहाँ रख दूंगा और चैट बन के चला जाऊंगा। देखते अगर कभी मेरा मूड बनता है तो वीडियो बना दूंगा। तो यही थे इस वीक के अपडेट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो देख के कुछ भी पसंद आया हो तो इस पर वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और उसके बाद जो वाला घंटा दबा देना ताकि तुम लोग नोटिफिकेशन पा सको। और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। 1K कंप्लीट हो गया, अब 2K 4K 10K भी कर देना। और तुम लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, और मैं डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक है जितना डिस्क्रिप्शन। इसी के साथ मैं प्रोफेसर बोरिस आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात किसी और नए वीडियो साथ। तब तक सावधान रहे, सब तक रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।